स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अब तैयार हैं? आज से हमारे नेट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और जी लगाकर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि नेट तो एमए से भी टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो फिर आज हम लोग नेट के फर्स्ट सेकेंड पेपर, हमारा जो सब्जेक्ट वाला पेपर है होम साइंस, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, कि पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा नेट में सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है। तो फूड साइंस और फूड सर्विस मैनेजमेंट में क्या आता है, खाद्य विज्ञान और पोषण है। भोजन के गुण भोजन के जो गुण हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, तो वो दो गुण पढ़ना है। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता मूल्यांकन, उनके उद्देश्य और व्यक्तित्व पर दृष्टिकोण। अब क्या कहते हैं, पहले हम लोग को खाद्य विज्ञान पोषण था, ठीक है, उसमें पोषण तत्व आएंगे। फिर भोजन के गुण क्या थे, अब भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है, उसमें उनके गुणों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है पोषक घटकों पर खाना पकाने और प्रसंस्करण तकनीकी का प्रयोग। अब हमें खाना पकाने की जो विधियां हैं उनके बारे में इसमें है, ठीक है। खाद्य योजना और वर्धक, खाद्य के योजना और उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसके बारे में। और फिर नेक्स्ट है खाद्य मानक और भोजन में सूक्ष्म जीव विज्ञान, और उसके बाद है खाद्य पदार्थ में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कैसे किन सूक्ष्म जीवों से भोजन खराब होता है या फिर उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ती है वो। खाद्य सेवा के दृष्टिकोण, जिसमें मेन्यू योजना, खाद्य लागत विश्लेषण शामिल किए जाते हैं। अब खाद्य योजना का हमारा दृष्टिकोण, मतलब खाद्य सेवा मतलब भोजन सर्व करने की जो दृष्टिकोण होते हैं उसका विश्लेषण है। नेक्स्ट हमारा है नया उत्पादन और नई टेक्नोलॉजी। अब क्या है, नए खाना पकाने की जो नई विधियां या फिर जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ क्या है। संस्थागत अस्पताल, शैक्षिक, सामाजिक और विशेष संस्थानों को खाद्य सेवा, और अलग अलग जगहों पर, मतलब अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में जो हम रोगियों हॉस्पिटल में जाएंगे तो रोगियों को खाना दिया जाएगा। शैक्षिक मतलब जो सरकारी स्कूलें होती हैं उनमें खाना होता है। सामाजिक यानी हम लोग जो भंडारा करते हैं वो सामाजिक हो गया, तो यहाँ पे वो उस भोजन के बारे में बात होगी। अनुसंधान के तरीके, मौलिक मुद्दे, अवधारणा, कार्य क्षेत्र, अनुसंधान और भोजन में अनुसंधान जो तरीके होते हैं, धाराएं होती हैं, कार्य क्षेत्र, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा था फर्स्ट यूनिट। सेकेंड क्या है, पोषण और आहार विज्ञान, ठीक है। पोषण आहार विज्ञान में क्या है, खाद्य समूह पढ़ेंगे, पोषक तत्वों को पढ़ेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषक तत्व, जीवन काल के माध्यम में पोषक क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। आपात स्थिति, आपदा के समय में समुदाय, खेल, पोषण और पोषण का, ठीक है। पोषण मूल्यांकन के तरीके और तकनीकी, पोषण संबंधित हस्तक्षेप, राष्ट्रीय पोषण नीतियाँ, कार्यक्रम, खाद्य और पोषण सुरक्षा, चिकित्सीय पोषण, आहार परामर्श प्रबंध और पोषण अनुसंधान के अनुसंधान डिजाइन, ठीक है। तीसरा हमारा है टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा से है, कपड़ा हमारा डिजाइन कपड़ा है। कपड़ा क्या है, विभिन्न वस्त्र शब्दावली, फाइबर, यान, बुनाई, कपड़ा, फाइबर का वर्गीकरण, यान और बुनाई, फाइबर और बुनाई की पहचान, मतलब इसमें हम लोग सारे मतलब रेसे से लेके पूरा कपड़ा तक की बात इसमें हो गई। प्रमुख प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों का निर्माण, इसमें रेशों का निर्माण करना है। फाइबर निर्माण के तरीके, बुने हुए और गैर बुने हुए, और इसमें अब हमें इसमें पहले हम लोग कपड़े के बारे में मतलब पूरा पढ़ लिए, ठीक है। अब इसमें निर्माण किए हैं, अब इसमें बुनाई, बुना हुआ ना, और फाइबर, बिना बुना हुआ फाइबर, ये सब उसके गुण उड़ ये इसमें है, ठीक है। कपड़ा खत्म वर्गीकरण पर, इसमें कपड़े का वर्गीकरण है। रंगाई और छपाई, जो भी होता है रंगाई छपाई, जितने सारे उसके टाइप्स होते हैं, ये सारे चीज़ें इसमें हैं। भारत में परंपरागत वस्त्र, अब ये हमारा ट्रेडिशनल आ गया कि कौन से वस्त्र को क्या कहेंगे। बहुत हम लोग अभी छोटे स्तर पर, जो भी हम लोग ने पीस दिन पढ़ा वो छोटे स्तर के लिए पढ़ा, अब हम लोग बहुत डीपली स्टडी करेंगे, हर एक चीज़ की डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। ये भारत के पारंपरिक वस्त्र हैं, मतलब कौन से जगह पे कौन से वस्त्रों का नाम होता है, उसकी बुनाई कैसे होती है, उसमें कौन सा फाइबर लगता है, कौन सी सामग्री लगती है, कौन सी तकनीकी लगती है जिससे वो वस्त्र बनते हैं,
नेक्स्ट का है रंगों का परीक्षण कपड़ों की स्थिति। अब ये रंगों का परीक्षण, ये हमारे परिसज्जा से हो गया। कपड़ों और पर्यावरण प्रतिबंध रंग पर्यावरण अंकुलन, अब ये हम लोग पर्यावरण के अकॉर्डिंग रंग का, रंग कौन से रंग कपड़े हम लोग होते हैं ना, धूप में ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए जिससे और गर्मी लगती है, यही करके मतलब वही पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग का कपड़ा और कलर जो भी है करेंगे। ठीक है, वस्त्र और परिधान के विकास, नैनो वस्त्र और परिधान का विकास होगा। अनुसंधान के प्रकार, ठीक। नेक्स्ट यूनिट है हमारा परिधान और डिज़ाइन। शारीरिक माप प्रक्रिया आकृति के प्रकार और मानव निर्मित, मतलब हम लोग को कपड़ा और हमारी बॉडी की आकृति के अकॉर्डिंग है। कपड़े का निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हो गए इसमें। परिधान डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन और तत्व और सिद्धांत, डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांत, फैशन शब्दावली, फैशन चक्र, इसके सिद्धांत, फैशन का अपनाना और पूर्वानुमानित फैशन को प्रभावित करने वाले कारक, फैशन, फैशन में हमें इतना पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न बनाने की तकनीकी, विभिन्न ड्रॉप, ये हमारा पढ़ना है। फिर परिधान निर्माण पढ़ना है, फिर परिधान गुणवत्ता का परीक्षण पढ़ना है। ठीक है, कपड़े की देखभाल हमें कैसे करनी होती है, विभिन्न आयु समूह के लिए कपड़ों का चयन, परिकल्पना और परीक्षण के प्रकार। ठीक, और नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा पाँचवा यूनिट है संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता के मुद्दे। प्रबंधन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रबंधन का के कार्य क्या है, संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन क्या है, धन प्रबंधन क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है, उद्यमिता क्या है, नमूनाकरण तकनीकी क्या है, उद्यमिता, ठीक है, और नमूनाकरण तकनीकी के प्रकार, प्रक्रिया, संभाव्यता, गैर संभाव्यता, नमूना, ठीक है, ये हमें पढ़ना था। और नेक्स्ट यूनिट हमारा सिक्स क्या है, आवास और आंतरिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, डिज़ाइन की बुनियादी बातें, कला के डिज़ाइन की बुनियादी, कला के तत्व, डिज़ाइन संरचना सिद्धांत, रंग पढ़ना है इसमें, आंतरिक आंतरिक योजना और डिज़ाइन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भवन विनियम, मतलब घर बनाना, मानदंड, मानक, जोनिंग विशेष समूह और क्षेत्रों के लिए आवास और आवास वृत्ति, आवास और पर्यावरण, मतलब हमारा घर और पर्यावरण, घर का रिलेटेड पर्यावरण से है ही। एक संसाधन के रूप में ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा में क्या है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत और नवीनकरणीय, गैर नवीनकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और पर राष्ट्रीय प्रयास। ठीक है, उत्पाद और डिज़ाइन, डिज़ाइन सोच प्रक्रिया, प्रसार और नवाचार, एग्रोनॉमिक प्रचार के साथ डिज़ाइन संचार कर, एग्रोनॉमिक मिक्स, एग्रोनॉमिक मिक्स क्या है, इसका महत्व, कार्य क्षेत्र क्या है, मानव मिति क्या है, पर्यावरण संसाधन क्या है, कार्य की शारीरिक लागत क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, समय, गति, अध्ययन, ऊर्जा अध्ययन। फिर नेक्स्ट हमारा है फर्नीचर और फिनिशिंग, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सत्यापित शैली, समकालीन प्रवृत्ति, दीवार खत्म और खिड़की। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है अनुसंधान के तरीके, ये हमारा अनुसंधान का डाटा संग्रह के लिए होता है, उपकरण का चयन करना, प्रश्नावली, स्वच्छताकार अवलोकन, ये हमारा है अनुसंधान की विधियाँ हैं। ठीक है, माप के मैंने रैगिंग, माप और उपकरण की वैधता और विश्वसनीयता शामिल है। ठीक है, सातवां यूनिट हमारा मानव विकास है, बाल मानव विकास, उसमें क्या है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं, देखभाल जो गर्भावस्था के समय आवश्यक है, प्रसव, पूर्व और नवजात विकास। ठीक है, मानव विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, संग्रम विकास के बढ़ाव देने के लिए गतिविधियां, ये हमें पढ़ने हैं मानव बाल, और क्या है, बाल श्रम पढ़ना है, बाल शोषण पढ़ना है, तस्करी, जोखिम वाले बच्चे, किशोरावस्था, युवा बच्चे के इष्टतम विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन, चुनौतियां, कार्यक्रम, वयस्कता, प्रारंभिक मध्य वयस्क, लक्षण, बदलाव, भूमिका, जिम्मेदारियाँ, बुढ़ापा, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मतलब बुढ़ापे में जो भी परिवर्तन होते हैं, चर के प्रकार, उनके चयन सहित अनुसंधान विधियाँ। ठीक है, अब आता है पारिवारिक अध्ययन, पारिवारिक अध्ययन क्या है, विवाह और पारिवारिक अध्ययनों की गतिशीलता। ठीक है, पारिवारिक कल्याण, दृष्टिकोण, कार्यक्रम और चुनौतियां और राष्ट्रीय विकास भूमिका, मुद्दे पढ़ने हैं, माता पिता की शिक्षा पढ़नी है, पारिवारिक अध्ययन,
पारिवारिक में संकट, परिवार चिकित्सा, बच्चों का विकास के लिए पहल, मानव अधिकार पढ़ने हैं, बच्चों महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के लिंग भूमिकाएं जो भी हैं ये पढ़ने, पूरे जीवन काल का मार्गदर्शन परामर्श, जीवन काल के विकास में स्वास्थ्य और कल्याण भी पढ़ना है, अनुसंधान के अनुसंधान तरीके, डाटा संग्रह, वर्गीकरण, कोडिंग, सरलीकरण, अनुमान और वर्णात्मक संख्यांकी। यूनिट 9 क्या है हमारा? विकास के लिए संचार। संचार अभी हमारा है। संचार की मूल बातें, प्राकृतिक विशेषताएं, कार्य प्रक्रिया, मॉडल, तत्व, सिद्धांत, बाधाएं, संचार के प्रकार, संचार में लेन देन स्तर, सुनने की प्रक्रिया। संचार प्रणाली क्या है? संचार प्रणाली है और सिद्धांत, मानव संपर्क, जनसंपर्क, संदेश डिजाइन, संचार हमारे प्रणालियाँ हैं। विकास की अवधारणा पढ़नी है हमें, विकास मॉडल है, विकास माप है, संकेत है, संचार है, मॉडल है और दृष्टिकोण, प्रसार और नवाचार। विकास में संचार की भूमिका, इसकी आवश्यकता और महत्व पढ़ना है। पत्रिकाएं, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट सहित विकास के लिए लेख। विकास संचार की चिंताएं, लिंग, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आदिवासी विकास आदि, ठीक है। वकालत और व्यवहार परिवर्तन, संचार अवधारणा, मॉडल पढ़ना है। विकास के लिए परंपरागत, अनु आधुनिक और नया मीडिया, गीत, कला, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली, विज्ञान, सिनेमा के लोग। विकास के लिए आईसीटी, समुदाय और सहभागी, वीडियो, सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के रूप में स्रोत। 10वां हमारा है विस्तार प्रबंध और सामुदायिक विकास। विस्तार शिक्षा के उद्देश्य और विस्तार कार्यक्रम के विकास की शिक्षा, कार्यक्रम प्रबंध पढ़ना है, ठीक है। विस्तार विधियों और सामग्री, दृष्टि, दृश्य श्रव्य सामग्री, पारस्परिक, छोटी और बड़ी समूह विधियाँ, योजनाएँ, वर्गीकरण, उपयोग और मूल्यांकन। पाठ्यक्रम विकास क्या है? ब्लूम की शिक्षा उद्देश्य और सीखने का वर्गीकरण है। गैर औपचारिक, वयस्क, आजीवक शिक्षा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अवधारणा, सिद्धांत दृष्टिकोण, कार्यक्षेत्र, विधि और उपयोग की जाने वाली सामग्री, परीक्षण के तरीके और उद्यमिता विकास। सामुदायिक विकास पढ़ना है आपको, उसमें परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, सामुदायिक संगठन, नेतृत्व, सामुदायिक विकास के लिए समर्थक रचनाएं, जिसमें पंचायत राज भी है, गैर सरकारी संगठन भी है, समुदाय आधारित संगठन शामिल हैं। लोगों की भागीदारी और हितधारकों को दृष्टिकोण, विभिन्न तरीके होते हैं, वो तरीके पढ़ने हैं आपको। भारत में शहरी, ग्रामीण और आदिवासी आबादी समूह के लिए विकास कार्यक्रम जो होते हैं, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूरी आदि के लिए कार्यक्रम जो हैं वो सभी शामिल हैं। तो ये हमारा 10 मतलब हमारे जो सब्जेक्टिव होम साइंस जो हैं उसमें हमें 10 यूनिट पढ़ने हैं। 10 यूनिट क्या है? विस्तार प्रबंधन और सामुदायिक विकास है, और विकास के लिए संचार है, पारिवारिक अध्ययन है, बाल मनोविकास है, और आवास और आंतरिक डिजाइन है, संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता मुद्दे, परिधान डिजाइनिंग, कपड़ा, पोषण और आहार विज्ञान, और फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे नेट JRF के लिए सिलेबस। हमारा सेकंड पेपर जो है यही है। सेकंड पेपर से आपको इतना ही पूछा जाएगा, और अभी तक हम लोगों जो भी मैंने अभी आप लोगों को 10 यूनिट बताया है वो सब चीज़ों से हम लोग परिचित हैं। हमने अपने BA में, MA में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब बस हमें क्या करना है, इसका डीप स्टडी करना है। हमें हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइंड करके एक एक चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो जिसमें मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, तो आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके टॉपिक वाइज आपको क्लियर करते हुए चलूँगी। फिर आप भी अपने नोट्स तैयार करते हुए चलिए। नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसके नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। और नेट की क्लास हफ्ते में 2 दिन चलेंगे, तो आप तैयार हो जाइए और पेन कॉपी लेके आप तैयार रहिए। और हम नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स ही है जो आपको नेट क्लियर करने में हेल्प करेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से पूरा सिलेबस देख लीजिएगा।